अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने जा रहा है यार बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग का टॉपिक है हाउ आई स्पेंड माय बिजी डे, हाउ आई मैनेज माय बिजी डे। असल में आज के व्लॉग का टॉपिक ये होने जा रहा है, और आज के व्लॉग इसीलिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज का डे वक्त ही बिजी है, बिना समय लग जाती है। आगे चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं, फिर लगेगी समझ। अच्छा जी, सबसे पहला काम हमारा बिजी डे में ये था कि जो कोई भी मतलब इसका किसी को भी नहीं था कि ये होगा, तो वो काम था जी पापा का जाना, पापा की ड्यूटी पे जाना, क्योंकि आजकल वो कोरोना की वजह से वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, तो पापा का ड्यूटी पे जाना एक सरप्राइजिंग था। पापा की ड्यूटी पे, अगर पापा ड्यूटी पे जाते हैं तो यहाँ वो बाइक ले जाते हैं अक्सर दफ़ा, वो आजकल जब लॉकडाउन वाले अरसे में वो बाइक ले कर जाते हैं, तो पापा ने ड्यूटी पे जाना था और हमें भी बाइक चाहिए था और पापा को भी चाहिए था, तो इस चक्कर में हमने पापा को ड्रॉप करना था ताकि पापा का भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए, सिंपल। तो फिर चलिए चलते हैं, पापा को ड्रॉप करते हैं। When your time comes, don't postpone it. When others doubt it, out you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubt us all the night, and unto them you shine bright. अच्छा जी गाइस, अभी फरूक भाई को हमने इधर ड्रॉप करना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। See you again. अभी हम घर वापस जाते हैं और घर जाकर बताऊंगा आगे क्या क्या काम है। और तो चलो चलते हैं वापस, अभी शायद मैं काला काला आ रहूंगा। तो चलो चलें। Clap an intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to me you send a mission. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Let come, kya tha yaar? अच्छा जी, अगला काम हमारा होने जा रहा है, सबसे the most important काम of the day is के एक महीने से ना जमा हुई भी फीस हमने जमा करवानी थी, स्कूल फीस। और अगर आज हम फीस जमा ना करवाते तो आज उन्होंने हमारा नाम स्ट्रक ऑफ कर देना था। और हम गए और किसी भी स्कूल ने, इन दिनों में मतलब किधर जाते हैं हम, फिर रुलते वो फिर बात बन जाती, रुलते गए मगर चस बड़ी आई है, तो ये मसला होना था। तो चलिए आइए फिर जाते हैं, फीस जमा कराते हैं। इस मसले से बचने के लिए कोई हाल तो ढूंढना होगा, तो हाल यही है कि जाके शराफत से फीस जमा कराते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि मुझे बैंक का को नहीं पता, तो बैंक के लिए मैं ताबिश या हादी मादी या इनमें से शायद उसको किसी को साथ लेके जाऊंगा, ताकि उनको इल्म होगा कि किस बैंक में ये बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बस ये ऊपर लिखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं वहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उतारूँ और मेरे तो भाई काम हो गए ना, मैं तो लग गया, पता नहीं वो आपको पता है, मैं तो लग गया टी। अच्छा, तो फिर चलें फिर जाऊँ। Still tough as opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubt us all the night, and unto them you shine bright. 'Cause inside your head, on goes the light. Ignite. Plant the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to me you send it on mission. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. जो है बाहर बाहर से ही होगी है जमा। अभी हम लोग घर जाएंगे और जो पोस्ट ऑफिस का दो काम है वो करेंगे। और मेरे साथ आज साबिश है मतलब, और ये पता है आपको पहले मतलब के काफ़ी वीडियोस में आया है, और अभी हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस का काम करेंगे। चलो शुक्र है फिर से जमा होगी ना, तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम करवाए हैं जी फीस जमा। अब अगला जो हमारा काम होने लग गया है वो बेसिकली ये है कि आज हमने मतलब कि एक हफ़्ता पहले हमें ना, यार आपको मैं सीरियस बात करता हूँ, तो एक हफ़्ता पहले हमें वॉक करने हम लोग गए थे, और वापसी पे हमें ना नीचे गिरा हुआ रोड पे एक कार्ड नज़र आया, तो मैंने देखा कोई आर्मी के बंदे का कार्ड होगा, लग भी ऐसे में हमने उठाया तो वो असल में ड्राइविंग लाइसेंस किसी का निकला है, तो वो बंदा भी इस्लामाबाद का रहने वाला था, तो हमने कहा ऊपर नंबर शंबर तो कुछ भी नहीं लिखा होता था, वरना तो एहतियाती तौर पे मैं आपको भी ये तजवीज़ देता हूँ कि अपने कार्ड के ऊपर एक स्कॉच टेप लगा के नीचे कागज़ रख के उस पर नंबर लिख के ऊपर स्कॉच टेप लगा देता, कि आप कार्ड कभी घूमे तो वो बंदा आपको कॉन्टेक्ट कर ले अगर वो बंदे का बच्चा है। यू अंडरस्टूड? या तो उस वो भी बंदे का बच्चा था, तो बस सब बात
मगर उससे ये गलती होगी तो उसने नहीं लिखा था। अब हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी जो अमानत है वो अच्छे तरीके से हम उसको वापस कर दें। तो आज हमने वो उसी एड्रेस पे जो है वो पोस्ट भेजनी थी, वो कार्ड भेजना था। तो एक तो ये काम था, दूसरा था हमने जो DHA मुल्तान की जो जमा करवाई थी, क्या इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी, उसकी जो कॉपी थी वो DHA फाइनेंस DPO में भेजनी थी। तो ये दो हमारे पहले तो इसके काम थे पोस्ट ऑफिस के, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या काम था। तो पहले जाके ये काम चलिए चलते हैं। When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters all the night, and after then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Doubters all the night, and after then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Doubters all the night, and after then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Plant the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to be you instead of the wishing. Plant the intuition upon the stars in the night. Mister, basically, आज का जो काम है वो असल में हमारा काम मतलब कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि वो अगर मैं पापा को कहता हूँ, पापा भी उसको दारा लप्पा लगा के साइड पे कर देते, दा दप्पा लगा के किसी और को कहता वो भी ना करता, तो वो असल में हमने ही करना था। असल में मैंने जो है पिछले दिनों में एक दराज सेलर अकाउंट बनाया था और उस पर मैं प्रोडक्ट अपलोड कर रहा था, और वो हर बार प्रोडक्ट अपलोड करता था और पुअर क्वालिटी क्लेम करके हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते। तो आज हमने वो पूछना है कि असल में क्या वजह जिसकी वजह से वो हमारे जो प्रोडक्ट पे पुअर क्वालिटी क्लेम करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर कॉल करते हैं दराज सेलर सेंटर पे, चेक करते हैं फिर और क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। गरीब बंदे हैं, जुतियाँ दा के सोने हैं, ही कर सकते हैं भाई। मैंने अभी दराज सेलर केयर सेंटर पे मैंने कॉल की थी, तो असल में हमारा जो प्रॉब्लम है वो ट्रेस हो गया। वो एक तो यार प्रॉब्लम ट्रेस करते करते शायद मैं 5 मिनट और कॉल चलती ना तो मैं पक्का ही पागल होता। असल में वो भाई थे जी पख्तून, वो उनका जो लहजा था बोलने का वो था पश्तो वाला, ज़ुबान उनकी थी उर्दू, उर्दू में बात करते, लहजा उनका पश्तो का था। तो वो ऐसी बात उर्दू और इंग्लिश में मिक्स में कर रहे थे, और आप फिर सोच सकते हैं फिर कैसी बात होगी भाई। अगर 5 मिनट और कॉल चलती ना मुझे गुस्सा चढ़ जाना था। अच्छा, फिर वो जो मसला ट्रेस हुआ वो ये है कि हम लोग जो कैटेगरी थी, मिसाल के तौर पे अगर ये बल्ब है, ये इस बल्ब की कैटेगरी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बल्ब है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। तो इस तरह से हम जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे उसके जो हम कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे थे वो ठीक नहीं थी, ये हमारा मसला था। और ये अब दो काम हो गए। अगले काम मैं गया जी, वो आपको ज़बानी के लिए बताता हूँ। एक मम्मा का जो है वो आपको पता है, सारी माओ की सब के साथ ही काम होता होगा, कुछ ला दो, कुछ बाहर से ला दो, आज क्या पकाना है जो पकाना है ला दो, बस ये रटना। और बंदे को भी नहीं समझ लगती क्या ला के दे। अब बंदा उठा ले जी गोभी, हाय हाय ये गोभी उठा ले, जो देखा है ये इसमें क्या है, 100 गलती 200 गलती निकलेगी। और फिर अच्छा चलो पका ही लेती हूँ बस, ये होगा। तो मेरे साथ भी आज वही हुआ, और फिर मैं सारा पूरा दिन गोश्त ढूंढता रहा। तो एंड पे पता चला कि आज ट्यूसडे है और आज गोश्त की छुट्टी है, बड़े गोश्त की हैं, छोटे गोश्त के जो छुपाया होता है मैमल्स जिसे कहते हैं, और उनकी आज छुट्टी है। तो फिर वापस आ गया, और उसके बाद अभी टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे। सुबह का नाश्ता दिया हुआ एक गरीब को भी ना, बंदा सुबह नाश्ता देता है ना दोपहर को उसको कहीं ना कहीं से रोटी मिल जाती है, एक फकीर को भी, मगर हम बेचारे फकीरों से भी गए हैं। सुबह का आधा पराठा नाश्ता किया है, उसके बाद 4 बजे तक कुछ नहीं मिला, बस इसी चक्कर में कि गोश्त मिल जाएगा वो ला के दूंगा, 6 बजे जाके पक जाएगा, मगरिब टाइम रोटी मिल जाएगी, और उतनी देर तक पता नहीं सारे मरे पड़े हों, कोई पता नहीं भाई। फिर मगर पेट तो साथ लगा हुआ था।
और पेट शरीफ तो साथ लगा हुआ था और वो उगल रहा था जी, आग आग उगल रहा था। कहता साहिल फारूक मैं किसके पल्ले पड़ जाऊँ, किसके पल्ले पड़ गया। एक तो साइज इतना सा है, उसके पास बाद इसको भी नहीं तुझसे भरा जाता। फिर हमने कहा पेट शरीफ तो रोना, माना तेरे से जाती है रोना, हम चलते हैं आज तुझे राजी करके लाएंगे। फिर हम गए हॉट एंड स्पाइसी पे और जाके थोड़ा खर्चा किया, ये हल्की की और पेट को राजी किया। Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubt is all the night, and onto them you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite. Plant the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to be you instead of the wishing. Listen, do your own math. और फिर इसके साथ आज का व्लॉग होगा खत्म। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद है तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। व्लॉग कैसा लगा अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, मुझको दबाव में याद रखेगा। अल्लाह।